हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेशी मीणा। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर पादपों का नामकरण दिया जाता है वे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN के द्वारा, जिसमें नामकरण की कैरोलस लिनियस द्वारा प्रयुक्त पद्धति, दिनाम पद्धति को सर्वोत्तम माना गया है और इसी का यूज किया जाता है। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के सिद्धांत और नियम, सिद्धांत में जो प्रमुख सिद्धांत है, 6 सिद्धांत दिए गए हैं जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस 1975 के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसमें पहला है पादप नामकरण जंतु नामकरण से भिन्न है, अर्थात पौधों का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वह जंतु के नामकरण की पद्धति से भिन्न होता है। दूसरा सिद्धांत है किसी वर्ग का नाम नामकरण प्रारूप से निर्धारित किया जाता है। थर्ड है वर्गों का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होता है, अर्थात उसके पब्लिकेशन। फर्स्ट टाइम जिस पब्लिकेशन में प्रकाशित होता है या पहली बार जब प्रकाशित होता है उसी के आधार पर पौधों का नामकरण होता है। प्रत्येक वर्ग का नियमों के आधार पर दिया जाने वाला नाम सही नाम होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। यानी कुछ अपवादों को छोड़ करके जो नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है वही नाम शुद्ध माना जाता है। वर्गकों का वैज्ञानिक नाम उनकी व्युत्पत्ति को ध्यान में ना रखते हुए लैटिन भाषा में होता है, अर्थात टैक्सॉन्स का नाम जो वैज्ञानिक नाम होता है वो लैटिन भाषा में दिया जाता है। अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जो नोमेनक्लेचर रूल्स या नामकरण के नियम हैं वो रिट्रोएक्टिव या पूर्वव्यापी, जो पूर्व में दिए गए हैं वही नामकरण के नियम चलते रहते हैं। ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या नामकरण के सिद्धांत। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या नामकरण के नियम। नामकरण से संबंधित जो नियम हैं, महत्वपूर्ण नियमों को 14 नियम दिए गए हैं नामकरण के। उसमें है फर्स्ट है रैंक ऑफ टैक्सा या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ICBN के आधार पर किसी भी टैक्सा का वर्गीकरण, किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह टैक्सॉन कहलाता है।
इसका जो नोमेनक्लेचर का आधारभूत टैक्सॉन है वे हैं स्पीसीज तथा जीनस। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन तथा किंगडम। टैक्सॉन्स की अपेक्षा उच्च कोटियाँ हैं, यानी जो बेस टैक्सॉन है वो है स्पीसीज। इसके अलावा सभी टैक्सॉन्स है वो उच्च कोटि के होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जीनस में अनेक प्रजातियां और एक कुल में अनेक जीनस होते हैं। इसी प्रकार से एक ऑर्डर में अनेक फैमिली और एक क्लास में अनेक ऑर्डर, एक डिवीजन में अनेक क्लास और एक किंगडम में बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो जो आधारभूत टैक्सॉन्स है वो क्या हुआ? स्पीसीज। स्पीसीज मूल आधार है, एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज एक जीनस में होगी, जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। जीनस किसी फैमिली का होगा जिसमें बहुत सारे जीनस होंगे, और फैमिली ऑर्डर से, ऑर्डर क्लास से, क्लास डिवीजन एंड डिवीजन किंगडम से। अर्थात जो एक तरीके से जो वंश परंपरा चलेगी या पिता पुत्र की तरह चलेंगे तो किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास से ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। पौधों के जो वर्गीकरण को स्पष्ट समझने के लिए टैक्सॉन्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है, मेजर टैक्सॉन्स एंड माइनर टैक्सॉन्स। मेजर टैक्सॉन्स में है किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब एंड सब ट्राइब। एंड माइनर टैक्सॉन्स में आते हैं जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, जिसको शॉर्ट में SP डॉट से इंगित करते हैं, सब स्पीसीज, जिसको SSV से इंगित करते हैं, वैरायटी BAR डॉट एंड सब वैरायटी, सब डैश BAR वैरायटी, फॉर्मा F एंड क्लोन CL से व्यक्त करते हैं। इन सभी टैक्सॉन्स के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इन जो टैक्सॉन्स हैं उनकी कैटेगरीज को किस प्रकार से लिखा जाता है या उनके पीछे जो सफिक्स या अनुलग्न लगाया जाता है तो वो इस प्रकार से है। जैसे क्लास, क्लास के पीछे आप सफिक्स लगाया जाता है, अनुलग्नक लगाया जाता है ई। ऑर्डर, ऑर्डर में एलीज, ALES, जैसे कोई भी ऑर्डर ले लें, ऑर्डर का नाम लगाते हैं तो उसके आगे इस लिखा जाता है। जैसे पेराइटेल्स,
एस्टेरिल्स एटीसी सब ऑर्डर, सब ऑर्डर में सफिक्स लगाते हैं एनी एंड फैमिली, फैमिली में लगता है एसी, जैसे एसी पोएसी एस्क्लिपियडेसी एंड ट्राइब में लगाते हैं ई, सब फैमिली में लगाते हैं ओईडी, उपकुल, उपकुल में लगाते हैं ओईडी और ट्राइब में ई एंड सब ट्राइब में इन्हीं अनुलग्न लगा के उसे लिखा जाता है। सेकंड नियम है टाइपिफिकेशन ऑफ टाइप मेथड, यानी प्रारूप या प्रारूपीकरण। किसी भी श्रेणी के जो टैक्सोन्स के कुल वंश या जाति का नामकरण उनके टाइप के आधार पर रखा जाता है। अब टाइप क्या है? तो किसी लेखक के द्वारा प्रमाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए कोई पादप संग्रहालय या सीट जिसे मूल रूप से पहली बार प्रयुक्त किया जाता है टाइप कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर प्रारूप या नोमेनक्लेचर टाइप वह मूल प्रमाण होता है जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंधित होता है। किसी भी जाति या इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सोन्स का एक स्पष्ट और प्लांट स्पेसिमेन होता है। ১৯৫০ में आयोजित स्टॉकहोम कांग्रेस में इस पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद टाइप के नामकरण के लिए कुछ श्रेणियों को मान्यता दी और ये श्रेणियों में ये टाइप है। 9 प्रकार के टाइप स्पष्ट किए। होलो टाइप, जो लेखक के द्वारा निर्धारित नामकरण प्रारूप के लिए काम में लिया जाता है गया पादप प्रतिरूप या अन्य कोई और सामग्री होती है जो पहली बार या फर्स्ट टाइम या मूल रूप से इसको नामकरण के लिए यूज में किया जाता है होलोटाइप कहलाता है। आइसोटाइप, यह नोमेनक्लेचर टाइप की दूसरी या डुप्लीकेट कॉपी होती है, जैसे किसी एक स्थान से एकत्र एक ही प्रजाति के शाकीय पौधों को अलग अलग हर्बेरियम सीड्स पर प्रिजर्व किया जाए और एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाओं से अनेक पादप हर्बेरियम सीड्स तैयार की जाए, तो इनमें से एक सीट होलोटाइप और शेष जो सीट होती है वह आइसोटाइप कहलाती है। सिनटाइप, यदि लेखक के द्वारा दो पादप जा इस प्लांट स्पेसिमेन का उल्लेख किया जाए और उनमें होलोटाइप को उल्लेखित नहीं किया गया हो,
तो इन दो स्पीसीज या प्रतिरूपों में से एक होलोटाइप और दूसरे को सिनटाइप कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक से अधिक प्लांट टाइप तैयार किए जाएं और होलोटाइप को चिन्हित नहीं किया जाता है, यानी कि हमारे पास दो सीट है लेकिन दोनों सीटों में से किसी पर भी नामकरण नहीं दिया है कि कौन सी होलोटाइप है, कौन सी सिनटाइप है, या आइसोटाइप या लैक्टोटाइप या कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में जिनमें नाम नहीं दिया है तो उनमें से एक को होलोटाइप मान लिया जाता है और दूसरी सिनटाइप, या एक को सिनटाइप मान लिया जाता है तो दूसरी अपने आप में होलोटाइप होती है। लैक्टोटाइप चेन प्रारूप, जब होलोटाइप या मूल टाइप खो जाए या प्रकाशन के समय लेखक द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो ओरिजिनल सामग्री से चयनित ऐसा पादप प्रतिरूप जो नोमेनक्लेचर के रूप में उपयुक्त हो तो इसे लैक्टोटाइप कहते हैं। अर्थात इसमें एक शब्द याद रखना है, ओरिजिनल यानी उस ही पौधे से, उसी पौधे से उसका कोई टाइप कलेक्ट किया गया हो तो इसे लैक्टोटाइप कहते हैं। कोटाइप, जिस पौधे से होलोटाइप का चयन किया जाता है अगर उसी पौधे से एक और स्पेसिमेन एकत्र किया जाए तो अतिरिक्त पादप प्रतिरूप को कोटाइप कहते हैं, जो सिनटाइप के ही समकक्ष होता है। नियोटाइप, जब किसी पादप या टैक्सोन्स के नामकरण से संबंधित कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में नामकरण प्रारूप के लिए काम में लिए जाने वाला पादप या प्लांट स्पेसिमेन नियोटाइप कहलाता है। अर्थात जब किसी पादप का नामकरण कर रहे हैं और उस टाइम में यदि हमारे पास में कोई भी उसका की सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या कोई भी होलोटाइप जैसे या और अन्य टाइप आइसोटाइप सिनटाइप या कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में नोमेनक्लेचर करते टाइम जो पादप प्ररूप यानी पादप प्रारूप या प्लांट स्पेसिमेंस यूज में किया जाता है वह होता है नियोटाइप। पैरा टाइप, ऐसा कोई भी पादप स्पेसिमेन जो होलोटाइप के अलावा मौलिक विवरण के साथ साइटेड हो उसे पैरा टाइप कहते हैं, यानी कि होलोटाइप के साथ यदि उसका विवरण किया जाता है तो वह पैराटाइप समानांतर या अपर प्रारूप कहलाता है। टाइप, जब किसी स्पेसिमेन के संदर्भ में केवल प्रारूप या टाइप शब्द का उपयोग किया गया हो तो उसका तात्पर्य होलोटाइप से ही होता है। अर्थात जब किसी स्पेसिमेन को टाइप कहा जाता है तो वे होलोटाइप कहलाता है। टॉपोटाइप, जिस स्थान से होलोटाइप को कलेक्ट किया जाता है यदि बाद में उसी स्थान से कोई अन्य प्रतिरूप एकत्रित किया जाता हो तो वह प्लांट स्पेसिमेन होलोटाइप कहलाता है।
नॉमनक्लेचर का थर्ड नियम है रूल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। तो प्राथमिकता के नियम में केवल एक्सॉन्स का एक ही शुद्ध नाम दिया जाता है और इस नाम को ही विधि सम्मत रूप से निर्धारित किया जाता है। इसलिए ऐसे नाम को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। और इसी नाम को न्याय संगत माना जाता है। तो प्लांट नोमेनक्लेचर साइंटिस्ट के अनुसार जो प्लांट नोमेनक्लेचर के सभी नियमों में प्राथमिकता का नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस नियम के अनुसार प्राथमिक नाम यानी पहले नाम को, नियमों के अनुसार दिए गए पहले नाम को स्वीकार करना ही प्राथमिकता का सिद्धांत है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कैपेरिडेसी कुल के पादप किलियोम गाइनेंड्रा के नामकरण के और उदाहरण होंगे। इस पादप का वर्णन सर्वप्रथम लीनियस द्वारा किया गया 1753 में और उन्होंने इसका नाम रखा किलियोम गाइनेंड्रा लिन के नाम से इसका नामकरण किया। लीनियस ने 1762 में इसका वर्णन किलियोम पेंटाफिल्ला लिन के नाम से किया। फिर 1824 में डी कंडोले ने इसके अंतर्गत तीन अलग अलग पादप वंशों की पहचान की। इनके नाम थे किलियोम गाइनेंड्रोसिस एवं पॉलेसिया तथा उसने लीनियस द्वारा वर्णित पौधे को गाइनेंड्रोसिस पेंटाफिल्लालिन डीसी का नाम दिया। सन 1960 में इल्टिस ने दोनों पादप वंशों अर्थात किलियोम एवं गाइनेंड्रोसिस का एक ही पादप वंश के रूप में समावेश कर दिया। इस नए संश्लेषित पादप वंश का नामकरण इसके प्रथम नाम किलियोम के रूप में किया। अतः प्राथमिकता के सिद्धांत या नियम के अनुसार इस पौधे का प्रथम नाम किलियोम गाइनेंड्रा लिन ही वैध एवं मान्य होगा। तो ये प्राथमिकता का सिद्धांत है कि पहली बार किसी भी पादप जाति का या प्लांट स्पेसिमेन का जो नाम दिया जाता है वह ही सर्वमान्य होता है, चाहे उसमें बाद में कितने ही संशोधन क्यों ना किए जाएं।